नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, राज्यों को दिए 17,287 करोड़। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का प्रकोप, 2500 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, करीब 62 लोगों की हो चुकी है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सख्त निर्देश, क्वारंटीन में गए लोगों ने सहयोग नहीं किया तो दर्ज होगा मुकदमा और लगेगा जुर्माना। अपने पत्र गांव पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत, योग के जरिए स्वस्थ रहने का दिया संदेश, लोगों से की सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश। रुकी हुई जरूरतमंदों के लिए मसीहा बना किन्नर समाज, घर घर जाकर बांट रहे राशन, किन्नर समाज ने तैयार की राशन। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को लेकर तैयारियां, ग्लेशियरों को काट कर तैयार हो रहा रास्ता, और 17 अप्रैल से शुरू होनी है केदारनाथ धाम की यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत अपने पैतृक गांव गढ़र पौड़ी गढ़वाल में योग के माध्यम से स्वस्थ रहने, संयमित रहने तथा सामाजिक दूरी को बनाए रखने का संदेश दिया। मंत्री ने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए कोई भी संक्रमण प्रवेश नहीं करता, अतः योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। योग और प्राणायाम अनेक बीमारियों के संक्रमण से बचने में काफी हद तक कारगर सिद्ध होता है। वन मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत ने निवेदन करते हुए कहा कि कोरोना बीमारी को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश दिया। कोरोना वायरस के खतरे के कारण देश में लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 11वां दिन है, और ये तीसरी बार है जब पीएम ने देशवासियों से सीधे बात की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर लोग अनुशासन का पालन कर रहे हैं और विश्व के कई देश भारत से सीख रहे हैं। 5 अप्रैल को कोरोना के अंधकार को प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। 5 अप्रैल को रात 9 बजे लोग अपने घरों की सभी लाइट्स बंद करें और 9 मिनट तक घरों में मोमबत्ती, दिए या मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाएं। इसके जरिए कोरोना के अंधकार के खिलाफ देश के उजाले की लड़ाई को दिखाया जाएगा, यानी दिए जलाएं, कोरोना मिटाएं। देखिए रिपोर्ट को। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ देश इस वक्त एक महाजंग लड़ रहा है। देश में 21 दिनों तक लागू किए गए लॉकडाउन के 10वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के अंधकार को प्रकाश की ताकत से हराने की जरूरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की है। इसका मकसद एकजुटता का संदेश देने से है। पीएम मोदी ने अपनी नई अपील में कहा है कि 5 अप्रैल यानी इस रविवार को रात 9 बजे लोग अपने घरों से बाहर आएं, घरों की लाइटें बंद कर दें और दरवाजे पर खड़े होकर दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या फिर कुछ भी प्रकाश जलाएं। इस शक्ति के जरिए ये देशवासियों के एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान देने को कहा है, साथ ही ये एकजुटता के दम पर ही कोरोना महामारी को मात दिए जाने की बात कही है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्षण रेखा को कभी भी लांघना नहीं। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान
लोगों ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव का परिचय दिया, शासन प्रशासन और जनता जनार्दन ने इस स्थिति को अच्छे तरीके से संभालने का काम किया, वो काबिले तारीफ है। पीएम मोदी ने 22 मार्च रविवार के दिन लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया। पीएम ने कहा, आज सभी देशों के लिए ये एक मिसाल बन गया है। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू दुनिया के लिए मिसाल बना, जिससे यह साबित हुआ कि देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकता है। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हर कोई घर में है तो लोग सोच रहे हैं कि वो अकेले कैसे लड़ाई लड़ेंगे। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि कितने दिन तक ऐसे काटने पड़ेंगे। हम अपने घर में जरूर हैं, लेकिन हम में कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे, ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण देश दुनिया में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में 5 अप्रैल को कोरोना के अंधकार को प्रकाश की ताकत का परिचय कराना पीएम मोदी का मकसद है, जिसकी अपील पीएम मोदी ने जनता से की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में तमाम सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन कोरोना वायरस से लड़ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वहीं कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं कि लोग अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। एक तो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन जो खबर दे रहा है उसी पर विश्वास करें। स्वास्थ्य विभाग वायरस से बचने के लिए समय समय पर अपनी एडवाइजरी समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल साइट्स के माध्यम से समय समय पर प्रसारित कर रहा है। आप केवल उन्हीं पर विश्वास करें या अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनसे हम संपर्क करें। थाना है, स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, उनसे हम बातचीत करें और किसी तरह की अफवाहों के शिकार न हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों को भवनों में रखा गया है वो लोग प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, और एक इस तरह की भी शिकायत मिली है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं कि अगर सरकारी संपत्ति को किसी तरह का नुकसान होता है तो उस पर उनसे 4 गुना वसूल किया जाएगा, और जो 2005 का एक्ट है आपदा प्रबंधन का,
उसके तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसलिए मैं सभी जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो सहयोग करें, कोई किसी को छुपाए नहीं, जो छुपाएंगे ऐसे लोगों को उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, वो सहयोग करें और तमाम जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं उनसे बचें। अगर आप सहयोग करेंगे तो हम इस महामारी के दौर से निकल सकेंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। रुड़की के पिरान कलियर में तहसील प्रशासन की ओर से लगभग 120 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को राशन किट बांटी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया गया। रुड़की तहसीलदार कृष्णानंद पंत ने बताया कि गरीब असहाय और मजदूर लोगों को प्रशासन की ओर से राशन किट बांटी जा रही है। पिरान कलियर में 120 लोगों की लिस्ट है जिन्हें राशन किट दी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ जरूरतमंद लोग और हैं जिन्हें ये लिस्ट लगभग 150 की संख्या तक पहुंच जाएगी। जो राशन पैकेट आ रखे हैं हमारे पास उन्हीं का वितरण किया जा रहा है। जो ये असंगठित मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, इनको दिया सरकारी तरफ से दिया जा रहा है। अभी तो 120 की लिस्ट है हमारी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 150 करीब तो होंगे, कितना बढ़ जाएगा। घर से मस्जिद बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर साहब का ये शेर बताता है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी किसी इबादत से कम नहीं है। आज जहां कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया सहमी हुई है तो वहीं सलामती के लिए दुआओं और दवाओं का दौर चल रहा है। जहां रुड़की में जिम्मेदार लोगों के लिए एक नजीर बनकर सामने आया है किन्नर समाज, जो इस मुश्किल घड़ी में गरीब असहाय लोगों के घर घर राशन सामग्री पहुंचा रहा है। इसके लिए बकायदा एक राशन किट उनके द्वारा तैयार की गई है जिसमें लगभग 10 से 15 दिनों का राशन मौजूद है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। रुड़की का किन्नर समाज इस मुश्किल की घड़ी में राहत भरा पैगाम दे रही है। इस किन्नर समाज के लोग घर घर जाकर बधाई मांगते थे, लेकिन इन दिनों ये घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग जो रोज दिहाड़ी वाले मजदूर हैं या फिर गरीब मजबूर लोग हैं, उन्हें राशन मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को भी इनके द्वारा सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स दिए जा रहे हैं। ये कार्य बेहद सराहनीय है। ऐसी मुश्किल की घड़ी में जरूरतमंदों तक जरूरत का सामान पहुंचाना उनके लिए एक नए जीवन दान के रूप में है। किन्नरों ने बताया कि वे घर घर जाकर लोगों से बधाई मांगते हैं और ये पैसा लोगों ने ही उन्हें दिया है और जरूरतमंदों को इन पैसों की जरूरत, जिसे राशन के रूप में उन्हें दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि जल्द से जल्द ये मुश्किल की घड़ी खत्म हो जाए और लोगों में फिर से खुशियों भरा माहौल नजर आए। समाज हर तरीके से उनके साथ है। जितने भी मेरे रुड़की में मेरे गरीब हैं, मेरी गरीब जनता है, मेरे भाई बहन, मेरे बंधु, गांव दिहार जितना भी है, मैं उनके सेवा में तत्पर हूँ और जितना भी मेरे से बन पड़ेगा मैं उनके लिए खड़ी हूँ। आज मैं, मेरे जो किन्नर समाज है, हम रुड़की से बोल रहे हैं। आज हमारे समाज ने एक ये पैकेट तैयार किया है जिसमें तेल है, चाय पत्ती है, चीनी है, आटा है, नमक है, है ना, और आटा है, चावल है और साबुन है। तो आज हम ये मुहैया करवा रहे हैं पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है उनके लिए। घर घर जाके बांट रही हूँ। हम लोग घर के ही मांगने वाले हैं, घर घर जाके मांगते हैं तो हमें पता है कि कौन गरीब है, कौन क्या है। तो घर घर जाके जो गरीब है, बिल्कुल गरीब तत्वों के, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनको हम देने जा रहे हैं। और आटा, चावल, चीनी हम सब उनको देंगे और उनकी सेवा में हम तत्पर हैं, खड़े हैं, जैसी भी उनके लिए ज़रूरत है। किन्नर समाज इस वजह से आगे आया क्योंकि हम किन्नर समाज जानते हैं कि अमीर भी है और समाज में बहुत गरीब भी हैं और बहुत गरीबी तभी है कि बेचारे भूखे सो जाते हैं। तो हम लोगों से देखा नहीं जाता, हमने राशन की किटें तैयार की हैं, हम घर घर जाके उनके राशन भी देंगे और जितना हमारे से किन्नर समाज से हो पाएगा हम इतना कुछ करेंगे उनके लिए, क्योंकि हमें उनका बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि मजदूर लोग बेचारे अपने अपने घरों में बैठे हैं, हमें उनका बहुत बड़ा दुख है। देश भर में लॉकडाउन के बाद ऐसी खबरें सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया।
गरीब तबके के लोग घरों में भूख से बिलखते हुए रोजी रोटी का सवाल करने लगे। ऐसे मजबूर लोगों की दिल खोल कर मदद की गई। रुड़की में भी किन्नर समाज ने गरीब लोगों की मदद का बीड़ा उठाया और राशन किट तैयार कर घर घर पहुंचाना शुरू किया। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। महामारी अधिनियम के क्या है नियम और कानून? पलायन में सरकार की क्या है जिम्मेदारी? कोविड 19 से बचाव के लिए सावधानियां, कोविड 19 से बचाव के लिए डीएम के अधिकार, मिलेंगे हर सवालों के जवाब। देखिए वकील आपका धर्मेंद्र सिंह के साथ रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज। के न्यूज की अपील, #StayAtHome। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कोरोना वायरस को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। राज्यपाल मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि उत्तराखंड में लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के सभी धर्म गुरुओं और संतों से अपील भी की है कि वो लोगों को जागरूक करें और धार्मिक आयोजनों, पूजा पाठ, नमाज को अपने अपने घरों में ही करने की अपील करें। साथ ही राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लॉकडाउन की परिस्थितियों में ऑनलाइन कोर्स मटेरियल को प्रोत्साहित करें, जिसको लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जल्द ही सभी कुलपतियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने वाली हैं। राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में किसानों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसानों की फसल खरीदने के लिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। बता दें कि राज्यपाल अगले हफ्ते सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राउंड स्थिति की समीक्षा भी करेंगी। प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को क्वारंटाइन 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन का कर दिया है। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष को 28 दिन पूरे करने होंगे। धस्माना का कहना है कि मैं व्यथित किंतु मानूंगा कि प्रशासन की सलाह है। विगत 16 मार्च को दून हॉस्पिटल में कोरोना के सरकारी और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना गए हुए थे, जो इस निरीक्षण के दौरान कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों से मिले थे, जिसके बाद धस्माना को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया था। भर में फैली कोरोना वायरस को लेकर देश भर को लॉकडाउन किया गया है। वहीं लॉकडाउन के चलते लोगों के छोटे बड़े कारोबार पूरी तरह से बंद पड़े हैं। किसानों को भी इस लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है।
बता दें कि लॉकडाउन के चलते स्ट्रॉबेरी की खरीदारी पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसके चलते स्ट्रॉबेरी खेतों में ही बेकार पड़ी हुई है। रोजाना स्ट्रॉबेरी का फल खराब होता जा रहा है, जिसको लेकर किसान परेशान है। बता दें कि स्ट्रॉबेरी की कीमत बाजार में 300 किलो की होती है, लेकिन आज इनको कोई 50 रुपए किलो में भी खरीदने को तैयार नहीं है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अब लॉकडाउन से तो हमारी 50 रुपए किलो भी कोई उठा नहीं रहा, इसलिए बहुत तगड़ा नुकसान है। 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान पड़ रहा है एक बीघा में, और वैसे 5-6 बीघे में तो ज़्यादा का पड़ रहा है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, इसका असर लोगों के कारोबार पर भी पड़ रहा है और किसानों की खेती पर पड़ रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम जो है एक स्ट्रॉबेरी की फर्म पर खड़े हैं। जो स्ट्रॉबेरी मार्केट में 250-300 रुपए किलो बिकती थी, लेकिन आज वो खेतों में पड़ी पड़ी सड़ रही है, जैसे कि देखा जा सकता है यहाँ एक स्ट्रॉबेरी का ढेर पड़ा हुआ है जो कि पड़ी पड़ी खराब हो गई है। मार्केट में अब इसका जो है 50 रुपए किलो का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने आज सभी बैंकों का निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी का कहना है कि सभी बैंक का सोशल डिस्टेंस बनाते हुए बैंक ग्राहकों को लाइन में लगा रहे हैं। वहीं एंट्री और एग्जिट गेट में ही लोगों के हाथों में सैनिटाइजर डाल के अंदर बाहर भेजा जा रहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 113 बैंक की ब्रांच है, सभी बैंकों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सभी एटीएम के लिए कैश वितरित कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बैंक्स और एटीएम्स हैं, वहाँ पर एक रोस्टर के अनुपात के साथ साथ जो सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो भी धनराशि प्राप्त हो रहा है उसका वितरण किया जाना है। मूल प्रयास ये है कि बैंक में जो भीड़ आती है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक बनाया गया उसके अनुसार हम लोग पालन कराने का हमारा प्रयत्न है। और आज हमने एसटीआई का निरीक्षण किया है, इसमें हमने पाया है कि बैंक के द्वारा जो है अपने गेट पर जो है पर्याप्त मात्रा में जो है सर्कल्स बना के सोशल डिस्टेंसिंग का एक दायरा निश्चित कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी लाभार्थी इसके लिए आ रहे हैं खाते से पैसा विड्रॉ करने के लिए या फिर जमा करने के लिए, तो उनके लिए उन्होंने सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश का व्यवस्था किया हुआ ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें अंदर ना आए। जहां एक ओर पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, वहीं 29 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की भी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। हालांकि केदारनाथ पैदल मार्ग से बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। 18 किलोमीटर लंबे पैदल यात्रा मार्ग को अभी तक 4 किलोमीटर तक साफ कर दिया गया है। यदि मौसम साफ रहता है तो आगामी 15 दिनों में पैदल मार्ग केदारनाथ धाम खुल जाएगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते से दोबारा पैदल मार्ग से बर्फ हटाई जा रही है, 50 से अधिक मजदूर बर्फ हटाने के लिए कार्य में लगे हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर भी बने हैं, ग्लेशियर पॉइंट पर ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के 3 मरीज पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तीनों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया है। साथ ही 10 जमातियों को हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस विभाग सहित सभी विभागों के लगभग 20 कर्मचारियों को भी क्वारंटाइन किया है। बता दें कि जिले में 13 जमातियों में 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रभारी कुमार कमिश्नर जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिस तरह से दोनों टीमों ने प्रोफेशनल तरीके से 13 जमातियों को क्वारंटाइन कर सैंपल लिए हैं, वह काबिले तारीफ है। रेलवे ट्रैक से आ रहे हैं, इसी क्रम में 1 तारीख को ये 13 लोगों जो जमात में गए थे इनको ट्रेस किया गया था और इनको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है उसके हिसाब से इनको पंतनगर में क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज दिया गया था, जहां से इनके सैंपल भेजे गए थे जिनमें से 3 पॉजिटिव आए। तो इनकी सारी हिस्ट्री जो है, जो ट्रैवल हिस्ट्री हम लोगों ने निकाली है, बातचीत करी है, और संबंधित जो ज़िले हैं जो इससे आच्छादित हो रहे थे उनको हमने स्वयं जो है उनको व्यक्तिगत रूप से भी बता दिया और जो डिटेल्स हमारे पास आ रहे थे वो शेयर कर दिए हैं। वो जिले अपने लेवल पर इसमें कार्रवाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो हमारे उधम सिंह जिले की पुलिस की टीम है और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, इनके द्वारा जो कार्य किया गया इसको बहुत ही सराहनीय कार्य के तौर पर मैं देखता हूँ।
पूरी की पूरी जो वहाँ से कुछ लोगों की टीम आ रही थी, 13 लोग जो थे वो आ रहे थे, वो रेलवे ट्रैक के ऊपर पकड़े गए, वो अपने घर को जा रहे थे। अगर वो अपने यहाँ पर पहुँच जाते तो हो सकता है कि उनके यहाँ पर फिर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है और बहुत सी जो कम्युनिटी में स्प्रेड होने की संभावना होती है वो भी बन सकती थी। लेकिन जो हमारी पुलिस की टीम ने उनको वहाँ से तत्काल जैसे पकड़ने का काम किया, और उसके बाद हेल्थ टीम ने भी बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए जो कहते हैं कि विद ऑल द प्रोटेक्टिव गियर उनकी चेकिंग की, उनका सैंपल लेकर के भेजा। हवाला उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का।